कहा जाता है कि इंसान के जज्बात और एहसास की अक्कासी करते हुए कायनात के मनाजिर और इस खूबसूरत जहाँ को देखने के लिए इंसान अपनी आँखों के वसूलों का इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने इंसानी चेहरे को खूबसूरती से तख्लीक किया है। इंसानी चेहरे में आँखें खूबसूरती की अलामत होती है। मेडिकल के इस जदीद दौर में भी लोग मुख्तलिफ पुरसरार बीमारी में मुबतला हैं। ऐसा ही एक ख़ानदान मीरपुर खास में आबाद है। इस ख़ानदान में मर्दों, औरतों और बच्चों समेत 13 अफराद शाम होते ही अपनी आँखों की रोशनी से महरूम हो जाते हैं। गांव जीवन खान लुंड रमज़ान चौधरी गांव के ये 13 अफराद गुर्बत महंगाई के सबब इस पुरसरार बीमारी का इलाज नहीं करा सकते हैं। अंधेरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर गांव के मुतासर फर्द जाम खान लुंड ने बताया कि मेरे ख़ानदान के अफराद इस बीमारी में मुबतला होकर खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकामी डॉक्टरों से इलाज करवाया, गुर्बत और महंगाई के दौर में ख़ानदान का पेट भरना मुश्किल हो चुका है, इलाज कैसे करवाएं? उसकी भी बचपन से ये बीमार है, उसकी घरवाली है, वो भी बचपन से ये रात को नहीं देखती है। बेटी जो मेरी हंज में बेटी है उसकी भी नज़र नहीं होती है। तीन ये हो गए और लड़की का लड़का है, वो भी आपके सामने ही है, उसकी भी नज़र नहीं है। रात को दिन को भी देख रहा है, घूम रहा है, सब कुछ है। मेरे जो लड़का काम पे गया है माशाल्लाह वो भी जवान है, नज़र उसकी बचपन से नहीं है। इलाज भी नहीं कराया, अब 5-6 बच्चे हैं, लड़के हैं तो 5-6 लड़कियां हैं। अब मैं क्या करूं, बूढ़ा आदमी हो गया हूं, अब क्या, शुगर में मैं ड्यूटी थी वो भी निकाल दिया इन्होंने, बैठा हूं बस। तो कोई इलाज के लिए मैंने इतनी पैसा भी नहीं था और गोलियाँ वोलियाँ इनको खिलाया, जो दूसरे गोट वाले आते थे भाई इनको गोलियाँ खिलाओ ताकि इनकी नज़र हो जाएगी, गोलियाँ खिलाई, नज़र नहीं है। पहली टीम आपकी आई, हम लोगों ने ये देखी है, पता कौन थी असी गरीब मान मिस्किन न को कमाया है न को धंधो आई बैठो मेड़ो ब पुटा न एकड़ो बेचारे इन जी पीज नजर कौन दी पावे न को मां जी पावे न को पांजी पावे बियो वेन पुट वे रात जो नजर पावे कौन दी इतनी लाट वठी आयो है उन त नजर पावे तो पावे ना तो बस रात जो मानी खाए न लाट वने अली तो के घोरन तो दे ना दे तो सुमी रवन था पर सी गरीब मान छा करियो। और ये मेरा बाप है और ये मेरी अम्मी है, ये गरीब है, मेरा इलाज नहीं करा सकते। और नाना है, नाना मेरा अबू है, समझ। क्या बीमारी है तुम्हारा? बीमारी दिन को नजर आता है, रात को नहीं आता है, रात को नजर नहीं आता है, मेरे को डर भी लग रहा है। जबकि गांव के मकामी अफराद का कहना था कि गांव के अफराद इस बीमारी में कई अरसे से मुबतला है, महकमा सेहत की जानिब से कभी भी इस बीमारी के बारे में संजीदगी से नोटिस नहीं लिया गया। मेरा नाम वाहिद बख्श है और मैं इस गांव का रहने वाला हूं। और इतने ये जो बीमारी चल रही है ये काफ़ी अरसे से चल रही है, इधर यहां पे कोई बंदे नहीं आए इधर पूछने के लिए। बाकी इलाज तो बहुत कराया है, बाकी जो है कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी वजह से। और गरीब बंदे हैं, ये सिर्फ अपनी मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। मेट्रो वन की टीम ने जब इस गांव का विजिट किया तो गांव में हुकूमत की जानिब से कोई भी बुनियादी सहूलतें सिरे से मौजूद ही ना थी। हमारी गांव जीवन खान लुंड के अंदर ये पुरसरार बीमारी के सबब जो 15 अफरादों का इंकशाफ हुआ है कि जिनको गुरूब आफ्ताब के बाद जो नजर नहीं आ रहा, हुकूमत और महकमा सेहत की टीमों को इस पुरसरार बीमारी के सदबाब को जो है देखना चाहिए और इन लोगों को इस पुरसरार बीमारी से निजात दिलाना चाहिए। मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो वन, मीरपुर खास।